तो यार आपको बफेज देखने बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे दिखाने बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब दोनों की चीजें पसंद है तो हम पसंद की चीज कर क्यों नहीं रहे। तो आज की वीडियो बफे की 170 रुपए के अंदर 17-18 आइटम है भाई साहब, कमाल का एमबीएस है, कमाल का फूड है। अब कितना स्वाद में धमाल है वो आओ आपको अंदर दिखाते हैं। 170 रुपए वसूल पूरे हो जाएंगे इतना पता है मेरे। तो आ गया सबसे टफ डिसीजन, ये आ गई प्लेट सामने, ये चेक करो। हर बुफे में ना अब तो कॉमन हो गया वाइट, जिसको पीजी वाली प्लेट भी बोल देते हैं, लोगों के पीजी में होती है। अब है क्या क्या प्लेट में भरने वाला वो आओ। अब ये पहली आइटम यहाँ से शुरू हो रही है, ये है दही भल्ले। तो भल्ला कांटेड भल्ला वो वाला हिसाब है ये जी। सिरके वाला प्याज, लोग कंप्लेंट करते हैं भाई ये सब चीज़ें तो दिखाते नहीं, अब सीधे टूट पड़ते हो खाने में। यह बूंदी वाला रायता, अरे हुआ। तो यार ये सब चीज़ें देख के तो भूख भड़कती नहीं है। ये कंप्लिश, ये साथ आप खा सकते हो। ये आ गया प्याज, ककुम्बर और इधर पड़ा जी ये अचार, ये हो गई। अब वो सब चीज़ें जो आप फैमिली के साथ आओगे तो खा लेना, इन्जॉय कर लेना। अब आओ आगे जिनसे पैसा वसूल होगा। अब ये है जी सोने का संदूक, ये पहला संदूक खुला, वाह देख रहे हो फ्रेशनेस, देख रहे हो गर्मा गर्म। अब इसमें पड़े जी एक साइड है मंचूरियन और यहाँ पे है जी नूडल्स। अब नूडल्स जो देख के चीज़ अच्छी लगी लुक में वो ये है, इसमें बेल पेपर है, यहाँ डालते हैं। में कैरेट है और कैप्सिकम बढ़िया डली हुई है, तो अच्छी लुक आ रही है नूडल्स की, गुड लुकिंग नूडल्स है। ये है जी सब्सक्राइब बटन जैसा एकदम लाल लाल मंचूरियन। ओ भाई गरम देख रहे हो कितना, अपना दिमाग ठंडा रखा करो, इतने गरम नहीं होना चाहिए जितने मंचूरियन गरम है ना। अरे भाई ये ज़्यादा डल गए, फ्लो फ्लो में मंचूरियन हमने ज़्यादा डाल लिए। चलो कोई बात नहीं, आगे एडजस्टमेंट करेंगे। अब एक संदूक हो गया, मतलब दो आइटम्स हो गई। अब ये है जी दूसरा संदूक। ओ भाई इसमें है मैक्रोनी, वो सूखी सूखी मैक्रोनी आती ना स्पाइसी वाली, वो वाली मैक्रोनी है। और साथ में है जी पास्ता, ये देखो पास आगे, ये देखो ये कमाल लग रहा है। ओहो वो कई बफेस में होता ना सस्ते वाले कि वो सलाद वाला पास्ता दे देते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रेवी वाला पास्ता है, ये देखो भाई वाह। अब मेरे हिसाब से दो दो चार ये स्नैक्स का काम ओवर है, अब आ गया मेन कोर्स। अब आओ आ गया, ये देखो। ओहो अब ये आ गया जी दाल मखनी, कमाल है। ओए होए पास्ते देखो, पास्ते इधर आओ, ये देखो ऊपर बढ़िया क्रीम व्रीम डाल के ना। अब ये नहीं पता मेरे को वीडियो के लिए क्रीम डाल दी उन्होंने एक्स्ट्रा के, वैसे भी डालते हैं इस बार भी, अब चेक कर लेना, पर अभी तो क्रीम काफ़ी डली हुई है। ये आगे जी दाल मखनी, ये साथ में ये देख रहे हो बीच में, ये नॉन वेज नहीं है ये भाई, फ्राइड राइस और इसके बीच में डली हुई है चाँप। तो ये फ्राइड राइस है विद चाँप, ये अवॉइड करते नूडल्स ले लिए हमने। बाकी ये सेगमेंट है लच्छा पराठा बटर नान चपाती वगैरह का, ये अपने को टेबल पे मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी, आप पे ऑप्शन है कैसे चाहिए आपको। ओए होए अभी किंग चाँप वालों के पास है, चाँप नहीं खाई तो फ़ायदा क्या भाई, लुधियाना में चाँप के लिए तो ये मशहूर है। बढ़िया ग्रेवी है, अच्छी काली मिर्च डाली हुई है, मसाले वसाले डाल के ना कमाल बनाई हुई है। अब नेक्स्ट आइटम आ गई जी पनीर, और ये कढ़ाई पनीर, वाह। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ कमाल की है, वो कमाल की ये चीज़ है कि भाई सिर्फ एक घंटा ही बंद होता है बफे, सुबह 12:30 से शुरू होके ना रात के 11 बजे तक है, सिर्फ 7 से लेकर 8 बजे तक कहते बंद करते हैं। और आइटम मेन्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेंज होती रहती है। अब ये देखो प्लेट, अगर लास्ट संदूक रह गया ये हमने मिस कर दिया था, पीछे से उन्होंने बताया कि भाई ये भी, अब ये देखो आ गया वो आगे, ये है जी वाह गर्मा गर्म छोले। अब आ गया, अब ये है जी गर्मा गर्म येलो दाल, और इधर देखो ये होता है ऐसे। जब आप आओ एक एक आइटम करके आराम आराम से खाना, इकट्ठी भरोगे ना फिर ये सब कहाँ डालोगे, जगह लिमिटेड है पर खाना लिमिटेड है। यार फूड आ गया सामने, वो आपको दिखाता हूँ क्या क्या डाला हमने। ये आ गई मलाई चाप, इधर है जी दाल मखनी मैक्रोनी,
पास्ता, नूडल्स, मंचूरियन और ये है जी कढ़ाई पनीर, छोले, दाल, एक दही भल्ला था, एक रायता था वो हमने नहीं लिया, सलाद वाला तो हम लेते नहीं, और ये है जी मिक्स ब्रेड्स, ये है रोटी, तंदूरी रोटी, लच्छा परांठा, ये स्टफ नान, ये कम ही दिखता है इस बजट के, और ये आ गया जी, ये भी स्टफ नान है, और ये आ गया बटर नान। तो यार पहली चीज़ जो है ना बफे की वो शुरू करते हैं मैक्रोनी के साथ, बच्चों की घनी फेवरेट होती है, बहुत फेवरेट होती है मैक्रोनी, आके बच्चे ही खाएं तो बढ़िया, बच्चों वाली आइटम ही है, आप बड़े लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि स्वाद ना बहुत बेसिक सा ही है, वो मैगी मसाले जैसा स्वाद है इसका। और ये है जी आगे पास्ता, ये स्वाद बढ़िया है, ये पसंद आएगा आपको अगर आप पास्ता खाते हो। तो यार ये नेक्स्ट चीज़ ना नूडल्स, जो बफेज में ना यार कभी मेरे को बढ़िया कम ही मिलते हैं, क्योंकि ये चीज़ हड़बड़ी में बना देते हैं बफे में, बाहर रश होता फटाफट आती रहती किचन से। अब ये देखते हैं यहाँ के कैसे हैं, दो 250 वाले बजट में ना ये कुछ कमाल के नूडल्स, बढ़िया नूडल्स हैं, बढ़िया वेजिटेबल्स डाली हुई है, अब नूडल के साथ मंचूरियन तो चलता ही है, स्नैक्स मतलब यार ऑल इन ऑल बढ़िया ही लगे, मैक्रोनी भी वही है, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो रोटी वोटी नहीं खाते उनके लिए चार आइटम भी है ना पैसा वसूल हो जाएगा। अब आओ आगे मेन कोर्स की तरफ, जो मेन माहौल रहता है ना ऐसी जगहों का, इनका फ़ायदा क्या है, जैसे 170 में बफे, आपके ऑफिस में लंच है, कहीं कोई आ गया घर पे, सस्ते में बढ़िया मज़ा चाहते हो ना, तो ऐसी जगह बेस्ट होती है, 170 दो बढ़िया खाओ, या मलाई चाप, क्रीम लगता है ज़्यादा डाली हुई है, बड़ी मीठी मीठी टच में है, ये क्या है, ज़्यादा ही मीठी मीठी है यार। ये आ गया जी दाल मक्खनी, हुए हुए बफे ढाबे हर जगह की शान, क्रीम बहुत है इसमें भी, मैंने प्लेटिंग के टाइम ही बताया, अब इसका भी स्वाद देखते हैं, ये असली चीज़, मतलब ये बनी है जी एकदम बढ़िया, एकदम दूध के जैसी है, हल्की सी बाइट लो ना पिघल के उतरती है नीचे। अब आगे आ जाओ पनीर, जिससे लोग कहते हैं बफे में पैसा पूरा होता है, ये देखो ये बड़े बड़े पनीर के पीस हैं, पनीर की क्वालिटी गुड है, स्वाद देखते हैं गुड है कि नहीं है, अब ये जो चीज़ें हैं ना पनीर और नूडल, ये 95 बफेज में ना बढ़िया नहीं होती, या तो पनीर बड़ा रबरी सा हो जाता है या ग्रेवी नहीं मैच करती, बट यहाँ का पनीर भी स्वाद है, ग्रेवी भी स्वाद है, तो ऐसा कुछ है वीडियो में भाई, स्वाद बढ़िया है, 170 के हिसाब से पैसा वसूल है, मज़ा आ जाएगा, खा के चले जाओगे, रिग्रेट नहीं रहेगा, पैसा पूरा कर ही लोगे, और बाकी लोकेशन की बात डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और ऐसा ही और कमाल का खाना देखना है तो भाई बठिंडा खाना एक ढाबा किया वो बहुत ही कमाल है, वो वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना, अभी आएगी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही।